बाद स्टार्ट की हुई है। जो फ्लैक्स सीड होते हैं या अलसी के जो बीज होते हैं उसके पौधे लगाने, तो अभी मैं उसके लिए मिट्टी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ प्रोसीजर। अच्छा, फ्लैक्स सीड जो होते हैं ये तो अक्सर आपने सुना होगा, यही जो है जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल होता है, मतलब मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं बीज। अक्सर मैदे के प्रॉब्लम हो गए उसके लिए जो है लोग खाते हैं, लेकिन हो सकता है आपको ये नहीं पता हो कि इसको आप जो है जो फूल होते हैं स्किन यानी फूल लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए। यानी अगर आपने गार्डन में लगा दें तो इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीले फूल के जो बंचेस होते हैं वो आपको मिलेंगे। स्पेशली अगर आपको नीले फूल अच्छे लगते हैं तो ये परफेक्ट है आपके लगाने के लिए। और ये जो है बहुत ही इजी इसकी मेंटेनेंस होती है, बहुत आसानी से उगते हैं और बहुत आसानी से जो है बड़े होते हैं। कोई इनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं चाहिए। अभी जो है मैंने बस मिट्टी के हम लोग की क्या कंपोजिशन है, गार्डनिंग सॉइल है, कोई बालू मिट्टी जिसको कहते हैं, और इसमें जो है मैंने जो ऑर्गेनिक फर्स्ट नॉर्मल खाद होती है वो डाली। अब एक गमले में अभी मैं छोटे से लगा रही हूँ स्प्राउट करने के लिए, फिर बाद में हम जो है इसकी एक्सपेंशन का सोचेंगे। अभी सिर्फ मैं लगाने का आपको प्रोसीजर बता रही हूँ। तो ये जो है समझें कि 60% तक हमारी मिट्टी है और 40% जो है उसमें खाद है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिट्टी जो है आप जब भी किसी भी पौधे के लिए बनाएं तो नरम मिट्टी होनी चाहिए, उसमें पत्थर नहीं होने चाहिए किसी टाइप के, उसमें जो है प्लास्टिक वगैरह या कोई वेस्ट मटेरियल इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पौधे को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। चलें ये तो हो गई मिक्स। अब इसको मैं क्या करूँगी कि हमारा जो छोटा सा बंदा है इसके अंदर हम डालें। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा क्या है कि जैसे अगर आपके पास थोड़ी बड़ी जगह हो और जैसे आप फ्लैक्स सीड अगर यूज़ करते हो खाने के लिए भी, तो अगर आप पौधे लगा लेंगे फिर उससे भी आपको जो है फ्री में मिल जाया करेंगे, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये कि अगर आप ऐसी डेकोरेशन के लिए लगाना चाहें तो उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा हम जो दबा देंगे कि जब हम पानी डालें तो ये बिल्कुल बैठ ना जाए, पहले से ही इसको थोड़ा कंप्रेस कर देंगे। चलें जी, ये तो हो गया। अब मैं लाती हूँ बीज। अच्छा जी, ये हैं हम लोगों के बिल्कुल फ्रेश फ्लैक्स सीड या अलसी के जो बीज होते हैं। अगर आप में से जो पहचानते होंगे उन्होंने पहचान लिया होगा, वरना अगर आप नहीं पहचानते तो ये बहुत जो है ईज़िली अवेलेबल होते हैं, पंसारी की दुकान के पास मिल जाते हैं या कोई भी जो ऐसा स्टोर हो जहाँ पे हर्ब्स वगैरह बिकती हैं या इस तरह के बीज वगैरह मिलते हैं, वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएंगे और अच्छी खासी मिकदार में। अच्छा जी, तो अब जो है इसमें से मैं कुछ बीज ले लूँगी, ज़्यादा ही लूँगी लेकिन काफ़ी सारे, और इनको जो है हम लोग इस तरह से कोशिश करते हैं कि थोड़ा फैला फैला के इसमें डाल दें। जब भी आप जो है बीज लगाएं किसी भी पौधे का, तो कोशिश ये करें कि जितनी आप उगाना चाह रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डालें, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कौन सा बीज उगेगा, कौन सा बीज हो सकता है ऐसा हो गया वो उग भी जाए लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जो है क्या उसे वो खुश हो जाए, या ऐसे भी सीड्स होते हैं कि जो बड़े हो भी जाते हैं तो उससे हमें वो ना रिज़ल्ट नहीं मिलता जो हम चाह रहे होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है ज़्यादा प्लांट्स होने चाहिए ताकि हम उसके अंदर से
उस बेस्ट प्लांट को चूज़ कर सकें जो अपना पूरा लाइफ साइकिल हम लोगों को दे। अब ये कर लिया हम टिक्को, अब जो है थोड़ा प्रोसेस टेस्ट करके हम बिठा लें। और अब जो है इनको हम थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर लेंगे। इतना कवर कर लें कि ये सूख जाए। वैसे भी अगर फिर अगर ऊपर भी आ जाए तो कोई मसला नहीं होता, बस इनके जब मिट्टी के साथ कांटेक्ट होता है तो जड़ें वगैरह फिर खुद ही जो है निकलना शुरू हो जाती है। अब बस इसको पानी देना है और फिर जो है इसको अनडिस्टर्ब जगह पे हम लोग रख देंगे। अच्छी तरह से इनको पानी दें, इनको सही अच्छी गीली मिट्टी पसंद होती है उगने के लिए। और इनको जो है आप बिल्कुल जो फुल खुला आसमान होता है यानी इनको फुल धूप का साइकिल दिन का मिलना चाहिए, फुल खुली जगह पे आप रखें, इंडोर एनवायरनमेंट के लिए जो है सूटेबल नहीं है। बस अब हमने पानी इसको दे दिया, फिर इंशाल्लाह जब जो है ज़रूरत होगी जब मिट्टी ड्राई है ऊपर से होने लग जाए बस तब हम इनको पानी देंगे। अच्छा, इसका जो नॉर्मल ग्रोइंग का टाइम होता है वो 4 दिन होते हैं या 5 दिन इसके मैक्सिमम जो होते हैं, फिर उसके बाद सीड्स जो है वो स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा चलें, अभी तो जो प्रोसीजर था इनके मतलब सोइंग का वो तो कम्प्लीट हो गया, फिर इंशाल्लाह जब ये उगेंगे तो मैं आपको फिर लाजमी उसका आपको बताऊंगी, इंशाल्लाह फॉलो अप करूँगी। और अगर प्रोसेस से रिलेटेड जो है आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो रिक्वेस्ट कराना चाहते हैं किसी प्रोसीजर से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग जो हैं उनको भी फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपसे किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।